हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं नवनीत और आज हम बिल्ड करने वाले हैं 60K के गेमिंग पीसी, जिसमें आप लोगों को दूंगा सजेशन। और दोस्तों ये सारे कंपोनेंट दोस्तों ये मेरे रिसर्च किए हुए हैं। अगर आपको दोस्तों पीसी बिल्ड अगर करना हो तो आपको खुद से भी एक बार दोस्तों रिसर्च कर लेना चाहिए। और मैं आप लोगों को जितने भी यहाँ पर कॉम्पोनेंट बताऊंगा इसकी प्राइस रेंज जो है दोस्तों ये डिफर करेगा मार्केट टू मार्केट, यानी कि अगर आप अमेजोन से परचेज करते हैं तो आपको एक अलग प्राइस रेंज मिलेगा, अगर आप किसी होलसेलर के पास जाकर परचेज करते हैं तो आपको थोड़ा अलग प्राइस जो है वो डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताए हैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज्यादा डिफरेंस आपको 2500 से 3000 रुपए का देखने को मिलने वाला है। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन से परचेस करें चाहे ऑफलाइन से, ये बाकी आपकी दोस्तों खुद की चॉइस है। तो एक चीज़ और दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि भाई बहुत सारे लोग कमेंट करके ये बोलते हैं कि आप मदरबोर्ड इसकी जगह पे ये ले सकते थे, तुमने गलत बना दिया। तो दोस्तों भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये दोस्तों मेरे रिसर्च है। और मदरबोर्ड में दोस्तों ऑप्शन आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस ये फर्क पड़ता है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो किस जनरेशन का है और आपके किस जनरेशन के हिसाब से जो आपने कंप्यूटर्स के अंदर लगा रखे हैं वो दोस्तों वो सपोर्टेबल है या नहीं है। सो गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये 60K के गेमिंग बजट के अंदर ये कौन से कंपोनेंट यहां पर फिट बैठ सकते हैं। और दोस्तों विश्वास मानिए 60K के अंदर दोस्तों जो हो सकता था और जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकता था वो मैंने सारे गेमिंग के कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर मैंने डाले हैं, और इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। हां बन सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दोस्तों वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको इसके कॉम्पोनेंट में, जैसे कि मदरबोर्ड और आप कर सकते हैं यहां पर रैम में, और जैसे आप कर सकते हैं यहां पर ग्राफिक कार्ड में, लेकिन फिर भी दोस्तों वो बेस्ट ऑफ बेस्ट नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहां पर हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों राइजन बेस्ड, तो इसलिए हमने यहां पर उठाया है राइजन 5 1600, जो मिल जाता है आपको 6 कोर और 12 थ्रेड वाला सीपीयू। जिसे हम बात करते हैं बेस क्लॉक स्पीड की, तो 3.2 GHz की आपको बेस क्लॉक स्पीड मिल जाती है, जिसे आप मैक्सिमम ओवर बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम ओवरक्लॉक कर सकते हैं 3.6 GHz तक। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर जो सीपीयू उठाया इस बजट के अंदर सबसे बेस्ट सीपीयू है। और वहीं पर इसी कॉन्फ़िगर में जो हम दोस्तों लेकर चल रहे हैं मदरबोर्ड वो है दोस्तों MSI का B450 गेमिंग प्लस, जो MATX मदरबोर्ड है और साथ ही साथ में काफ़ी बेहतरीन मदरबोर्ड है जो गेमिंग सीरीज के लिए स्पेशली बनाई गई है। VR रेडी है और इसको टेस्ट किया गया है, 24 घंटे लगातार गेमिंग इसमें आप चला सकते हैं, ये इतना कैपेबल है। वैसे आप कहोगे कि यार हम किसी भी मदरबोर्ड के अंदर चला सकते हैं, लेकिन भाई ये स्पेशली डिजाइन किया गया है तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों इसके अंदर बात तो होगी ही। साथ ही साथ में इस मदरबोर्ड के अंदर आपको ड्यूअल स्लॉट मिल जाते हैं रैम के लिए, जो DDR4 रैम स्लॉट आप इसके अंदर लगा सकते हैं, यानी कि आप इसे मैक्सिमम बूस्ट जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप इसे 32 GB तक, यानी कि 16 GB के आप यहां पर दो रैम लगा सकते हैं या 8 GB के यहां पर आपको दो रैम लगा सकते हैं। तो वहीं पे मिल जाता है, साथ साथ में सिंगल ग्राफिक कार्ड का स्लॉट मिल जाता है आपको, साथ ही साथ इसमें USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, USB 3.0 के आपको यहाँ पर पोर्ट मिल जाते हैं पीछे VGA, एंड आपको साथ साथ में DVI जो आपको पोर्ट मिल जाता है, HDMI पोर्ट मिल जाता है, जो एक बात काफ़ी अच्छी बात है, और साथ साथ में M2 स्लॉट भी आपको इसके अंदर मिलकर चलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो मदरबोर्ड है एक 8000 रुपये के प्राइस रेंज में काफ़ी ज़बरदस्त मिलकर चलता है, जो स्पेशली बनाया गया है केवल गेम के लिए ही। तो यहां पर हम रैम ले रहे हैं दोस्तों क्रूशियल कंपनी का DDR4 2400 MHz वाला, 8 GB का रैम लेकर चलेंगे हम सिंगल स्लॉट के अंदर, लेकिन ड्यूल स्लॉट में अगर हम लेंगे तो हमारी जो प्राइस रेंज है थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और हम जो है एक बेस्ट पीसी बिल्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिया गया है केवल 8 GB का रैम, और 8 GB के रैम में दोस्तों कोई भी बुराई नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलेगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन आप उसे बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने कहीं और अगर हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो लेकिन फिर आपका वहाँ पर जो है आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में या ग्राफिक कार्ड में आपको जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो करना पड़ेगा। तो वहीं पे दोस्तों हम यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लेकर चल रहे हैं दोस्तों, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी शानदार है और बिल्कुल लेटेस्ट है, जो हम ले रहे हैं दोस्तों iNo3D कंपनी का NVIDIA GTX 1660 Ti DDR6 स्लॉट वाला 6 GB का ग्राफिक कार्ड, जो दोस्तों ट्विन फैन में मिल जाता है आपको, काफी जबरदस्त ग्राफिक कार्ड है ये और लेटेस्ट है, जो आपको 1070 की भी स्पीड आपको हिट करता है और 1060 की जगह पे दोस्तों ये कंप्लीटली रिप्लेस होता है। तो बेसिकली मैं बताऊं तो आपको ये ग्राफिक कार्ड काफी शानदार है और आप अल्ट्रा हाई सेटिंग पर भी गेम खेल सकते हैं और स्ट्रीम ले सकते हैं बड़ी आसानी से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस ग्राफिक कार्ड में, क्योंकि बताऊं तो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होना आपके गेमिंग पीसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक ग्राफिक कार्ड ही नहीं ले रहे हो तो आपको दोस्तों एक जो फील आनी चाहिए आप गेम खेलते वक्त वो आप नहीं ले पाएंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आप GTA 5, Kai Fry 3,
इवन पबजी, आप इसके अलावा भी जितनी भी लेटेस्ट गेम है वो सारे ही गेम खेल सकते हैं बड़े ही आसानी से। लेकिन दोस्तों यू नीड टू अपग्रेड अ रैम, आपको रैम को दोस्तों बाद में आपको बढ़ाना ही होगा। सो गाइस, तो ये था हमारा दोस्तों ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड आपको उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा। तो अब अगली बारी आती है दोस्तों, वो है स्टोरेज की। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्टोरेज लेकर चल रहे हैं दोस्तों 1 TB का WT का, आप ले सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज, यानी कि काफी अच्छा है। ब्लू कलर में हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, जो काफी बेस्ट है, जो 7200 RPM वाला आपको मिल जाता है ये SSD ड्राइव। तो आपको एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर कि आप जो है किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ WD का ही कोई जरूरी नहीं है, आप Seagate का ले सकते हैं, Samsung का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर ब्रांड में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वहीं पर हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों WD कंपनी का ही सेम 240 GB वाला हम यहाँ पर ले रहे हैं SSD, यानी कि M2, जो आपके लिए काफी बेस्ट है, बेहतरीन है। और आपको बता दूं कि आपका PC, आप चाहे कितने भी अच्छे PC को बिल्ड कर ले, जब तक आप दोस्तों SSD नहीं लगाएंगे दोस्तों, आपका जो कंप्यूटर है फिर भी उस लेवल का आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा जिस लेवल का आपको परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। तो SSD दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने विंडो को इंस्टॉल करेंगे, जिससे आपका जो कंप्यूटर है बिल्कुल लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा और आप इतने बेहतरीन ग्राफिक कार्ड का जो है दोस्तों बिल्कुल वो फायदा उठा पाएंगे। तो हमने दोस्तों यहां पर सारे ही कंपोनेंट को ले चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर आखिरी कंपोनेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है दोस्तों पावर सप्लाई यूनिट। इसके बगैर तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि ये कुछ भी चीजें चल नहीं सकती है। तो यहां पर दोस्तों हमने लिया है दोस्तों कोर्सर का VS550W वाला, जो हमने लिया है यहां पर हमने PSU यूनिट, यानी कि पावर सप्लाई यूनिट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा महंगा पावर सप्लाई यूनिट लें, क्योंकि कुछ खास ज्यादा महंगा लेने से कुछ होने वाला नहीं है और आपका बजट जो है यहां पर बहुत ज्यादा टाइट है, तो आप 550 वॉट जो है आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन बेसिकली बताऊं तो आपको 450 वॉट भी जो है वो भी सफिशिएंट है, लेकिन आपको अब फ्यूचर में अगर अपग्रेड करना है, जैसे RGB लाइट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें लगानी है आपको, तो 550 वॉट जो है बिल्कुल सफिशिएंट है, आपको इतना तो खैर लेना ही चाहिए यहां पर। तो ये था दोस्तों पावर सप्लाई। और अब आखिरी में आता है दोस्तों, वो है दोस्तों डिजाइन, यानी कि PC केस। तो आपको बता दूं दोस्तों, आप कोई भी यहाँ पर PC बिल्ड, आप कोई भी PC ले सकते हैं आप अपने बजट के हिसाब से, लेकिन जो मैंने यहाँ चूज किया है वो है दोस्तों कोर्सर का स्पैक कार्बाइड स्पैक 01, जो काफी बेहतरीन है और एक बजट के अंदर आने वाला, यानी कि 3000 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है किस वेबसाइट से आप परचेस कर रहे हैं, अमेजोन में दोस्तों 2999 रुपीज का आपको मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक ब्रांड में और एक क्वालिटी के हिसाब से और इससे बेहतरीन जो है दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी कैबिनेट नहीं मिलने वाला है। आप ले सकते हैं चिप्ट्रोनेक्स का, ले सकते हैं सर्कल का, ले सकते हैं, और इससे बेस्ट मुझे लगता नहीं है कि कोई चीप एंड बेस्ट में आपको मिल पाएगा। तो खैर ये आपकी खुद की चॉइस है, क्योंकि ये आउटर लुक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सा जो कैबिनेट है वो लेना पसंद करेंगे। सो गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों कुछ भी चीजें आपको लगा हो कि कोई कंपोनेंट रिप्लेस करना चाहिए तो आपको नीचे यहां पर बता देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के। बिल्कुल भी दोस्तों आपको अपने दिल में नहीं रखना है और भाई ये नहीं सोचना है कि भाई ने कुछ गलत बोला है, तो जो मेरे हिसाब से बेस्ट था वो मैंने आपको बताया है। जो आपको सही लगेगा दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट में बताएं, ताकि जो लोग और भी देख रहे हो तो उनको भी नीचे आकर पता लगे कि यार ठीक है ये चीजें हैं हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से बेस्ट था दोस्तों वो यहां पर मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सी यू, बाय, आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।